हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में हमने सकुलेंट की अनबॉक्सिंग की थी, वो था पार्ट वन सकुलेंट अनबॉक्सिंग, जिसमें मैंने जो सकुलेंट परचेज किए थे उसमें से कुछ आपको शो किए थे। ये है उसका पार्ट टू वीडियो। जो बचे हुए सकुलेंट्स है, 26 सकुलेंट्स मैंने परचेज किए थे, और जो बचे हुए सकुलेंट्स है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उनका अनबॉक्सिंग आज मैं करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। अगला ये प्लांट है कोलियस की एक वैरायटी है, इसका एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ही हरा भरा और खूबसूरत दिख रहा है प्लांट। हाइट भी 3 से 4 इंच से ज़्यादा है। अगली ये वैरायटी भी इचेवेरिया की एक वैरायटी लग रही है, और उसे फ्लावर्स भी शायद आए हुए थे। ये देखिए फ्लावर्स के स्टिंग्स दिख रहे हैं यहाँ। ये प्लांट भी इचेवेरिया की भी वैरायटी मुझे लग रहा है। इस प्लांट को हॉबिट इस नाम से जाना जाता है, या इसे स्किनी फिंगर ऐसे भी बोलते हैं। ये सकुलेंट की और एक वैरायटी है, शायद पान फुटी की एक वैरायटी है ये। ये देखिए और एक वैरायटी, इस प्लांट का भी नाम मुझे पता नहीं है, इसका शेप मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने परचेज कर लिया है। ये मैंने वेरिकेटेड जेड का पौधा ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये और एक पौधा, इसका भी नाम मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये शायद क्रासुला वैरायटी का पौधा दिख रहा है, उसके बाद ये भी देखिए पत्तों के अरेंजमेंट बहुत ही डिफरेंट है, डार्क ग्रीन शेड के पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसका भी नाम मुझे पता नहीं है। और लास्ट में ये देखिए रेडिश पिंक शेड में शायद ये भी इचेवेरिया की वैरायटी है। तो ये मेरा था 26 सकुलेंट। तो ये रही मेरे गार्डन में ऐड होने वाले नए 26 सकुलेंट्स। मेरे गार्डन में पहले से ही 20 से भी ज़्यादा सकुलेंट्स है, और ये 26 ऐड हो जाएंगे, उसे मेरा गार्डन में सकुलेंट के एक अनोखा डिस्प्ले होगा। ये सकुलेंट्स भी अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ग्राफ्टोवेरिया वैरायटी के हैं, कुछ इचेवेरिया है, कुछ अलोई वैरायटी के हैं, तो कुछ हवोथियाज है, वो शेप भी उनकी यूनिक है, डिफरेंट शेप्स है। तो इस तरह का ये सकुलेंट का डिस्प्ले मेरे गार्डन में होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही सकुलेंट पसंद है। सकुलेंट प्लांट ईजी टू मेंटेन होते हैं, उन्हें ज़्यादा देखभाल भी नहीं लगती है, इसलिए ये सकुलेंट की वैरायटीज मुझे बहुत पसंद है, उनके शेप भी बहुत अनोखे होते हैं। इसके बाद मेरा ये भी प्लान है कि अगर मैं ये सकुलेंट्स मल्टीप्लाई करती हूँ, और अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो रिलायबल रेट में मैं वो सप्लाई भी कर सकती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे सकुलेंट का कलेक्शन पसंद आया हो, तो मेरे चैनल टेरेस गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।